अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं खाना काबा के अंदर मौजूद हूँ। मगरिब की नमाज पढ़ के यहाँ पर आकर हम बैठ गए हैं। ये देखिए, इधर तवाफ़ हो रहा है, लोग उम्रे के लिए भी आए हुए हैं, बाकी लोग नमाज़ पढ़ के यहाँ बैठे हैं, ईशा का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमने सुबह तहज्जुद से पहले उम्रा कर लिया था माशाल्लाह, और बहुत रश है यहाँ पर, तो हमने वो टाइम मुंतखब किया, तो आराम से शुक्र अल्लाह का हो गया, पर पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। ये कहने लगे 7 चक्कर हो गए हैं, और मैंने कहा कि 7 चक्कर नहीं हुए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने उठा दिया, कह रहे हैं यहाँ से उठें उठें, आगे जाएं, पीछे जाएं और पीछे जाएं, क्योंकि यहाँ पर रश होता है, यहाँ पर इन लोगों ने तवाफ करना होता है, फिर रश हो जाता है, तो ये ज़बरदस्ती सबको कह रहे हैं कि यहाँ से जाएं, बस यहाँ से उठ जाएं। अब हम उठ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ईशा की नमाज के बाद का टाइम, अब लोग सब जा रहे हैं वापस। देखिए कितना रश है, सामने खाना काबा नज़र आ रहा है, और देखिए कितने कुरान शरीफ हैं यहाँ पर। ये दो तरह के कुरान शरीफ हैं, एक तो ये देखिए ब्लू वाला होता है, ये हमारा पाकिस्तानी, और ये जो है इसका रस्म अल-ख़त थोड़ा फ़र्क होता है, और ये यहाँ पर लोग ख़रीद के ना रख भी देते हैं। इसमें असली और नकली भी है, तो ये ख्याल करना चाहिए, जो असली वाले हैं वो थोड़े महंगे हैं। बाकी ये देखिए माशाल्लाह क्या नज़ारा है, आपको दिखाऊँ रश कितना है इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए क्या मंज़र है। ये देखिए बस यहाँ आके मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं यहाँ आ गई हूँ, कहाँ मैं आ गई हूँ। मैंने आप सबके लिए बहुत दुआएं की हैं, और मैं फ़ोन खोल लेती हूँ, उनके सामने जिस जिस के आते हैं मैसेजेस बहुत से, तो मुझे याद भी हो गए, आप लोगों की दुआएं भी मुझे याद हो गई हैं। नाम ना भी हो तो मैं कह देती हूँ कि इस फ़ोन में जितने मैसेजेस और दुआएं हैं सब अल्लाह ताला आप कबूल करे, तो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी, क्यों नहीं होंगी, है ना। दिल से दुआ करे बंदा तो कबूल होती हैं, और अपनों के लिए तो फिर बंदा दिल से ही दुआ करता है। बस मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरा मकसद बस ये है कि आपको भी अपने साथ शामिल कर लूँ। ये देखिए कुछ लोग कुरान पढ़ रहे हैं, और यहाँ आबे जमजम खूब मौजूद है, खूब लोग पानी पीते हैं यहाँ से, और सर पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये मुतबर्रुक है हमारा शिफा वाला पानी। तो ये देखिए अभी दूर कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, तो यहाँ पर बैठने नहीं देते ख़वातीन को, कहते हैं कि यहाँ ना बैठें, क्योंकि काफ़ी रश है तवाफ़ की वजह से, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। ये सारा आपको दिखाऊं मैं, वो सामने आपको जो हरा नज़र आ रहा है ना लाइट्स, वहाँ से चक्कर शुरू होते हैं, और तवाफ़ करने के लिए 7 चक्कर लगाने होते हैं। हमने सुबह सुबह तहज्जुद से पहले उम्रा कर लिया था माशाल्लाह, और उस वक्त भी काफ़ी रश था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, जो किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सफाइयाँ साथ साथ शुरू हो जाती हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा इंतज़ाम है, देखिए कितना साफ़ है। तो ये देखें ना कहाँ हैं हम, ये देखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्ला अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलियुल अज़ीम। तो बस अभी मैं वापस चलती हूँ, लोग तस्वीरें भी यहाँ खींचते हैं मज़े से, यादगार है, क्योंकि ये तो सब यादगार है, फिर कभी आना है नहीं आना ये तो पता कोई नहीं ज़िंदगी का। तो ये तस्वीरें, ये यादगार मनाजिर मेरे फ़ोन में कैद रह जाएंगे, आपके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। अल्लाह ताला से आपके लिए बहुत दुआ है, और आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है, भूलना नहीं, ठीक है ना।
दिखा दूं आपको करीब से जाके जो उम्रा कर रहे हैं लोग। बस थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है, ठंडा पी दिया था क्योंकि यहाँ गर्मी है। मदीना में मौसम अच्छा था लेकिन यहाँ गर्मी है तो बस फिर थोड़ा थोड़ा गला ख़राब हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप लोग फिक्र ना करें, बस दुआ कीजिएगा ये मनाजिर महफूज कर लें, आप अपने लिए महफूज कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऊपर जा रही हूँ मैं, नीचे से ऊपर एस्केलेटर्स हैं, जगह जगह बड़ा आसान है आपको जाना। ठंडा है, पंखे लगे हुए हैं, ये देखिए है ना, रूह पर्वत सभा। कोई और ही दुनिया है, कोई और ही दुनिया है, शानदार जगह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।